तो आप सभी को गुड मॉर्निंग है दोस्तों। चलिए देखिए, रांची यूनिवर्सिटी में अब आपके दो पेपर बचे हैं, मतलब आईबीएससी जो पेपर है आईबीएस का, वो तो आपका कंप्लीट हो ही जाएगा, ठीक है। एमजे और आईआरसी का पेपर अब बच गया है, और इसके लिए आप लोग सभी का ऑनर्स जो है अलग अलग है, ठीक है। बहुत सारे ऑनर्स हैं, तो मैंने सोचा कि एक ही वीडियो में सबको आपको दे दूँ जोड़ के। तो कैसे वो संभव है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। देखिए, यह रांची यूनिवर्सिटी का वेबसाइट है, इसका लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। आप लोग इस वेबसाइट पे आ जाएंगे और देखिए यहाँ पे लिखा है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपके पेपर के नाम हैं, जैसे कि सीसी पेपर, ये आपका हो गया आईबीएस, और ये भी हो गया, ठीक है, आईबीसी आईबीएस। उसके बाद अब आपका आता है यहाँ पे कॉमर्स का पेपर एमजे के लिए और आईआरसी के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं एमजे के लिए, यानी कि मेजर पेपर 1 के लिए। देखिए, मान लीजिए किसी का मेजर पेपर इकोनॉमिक्स है, सपोज दैट इकोनॉमिक्स है, ठीक है। अब आपको इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन पेपर चाहिए, सॉरी सिलेबस चाहिए, कि कहाँ से हमारा क्वेश्चन आएगा और किस टाइप से आएगा, कितने मार्क्स का आएगा, वो सारी डिटेल आपको यहीं से मिल जाएगी। पहले देख लेते हैं किन किन सब्जेक्ट का यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों, जितना भी सब्जेक्ट रांची यूनिवर्सिटी में होता है उन सभी के दिए गए हैं, जैसे कि कॉमर्स है, फिर आपका नेचुरल साइंस में देखिए तो इसमें आता है बॉटनी, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, एस्थेटिक्स, जूलॉजी, ठीक है। तो ये सारे आपके आ जाएंगे। आगे देख लेते हैं सोशल साइंस में, एंथ्रोपोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, होम साइंस है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, और सोशियोलॉजी है। ये सारे सब्जेक्ट आ जाएंगे आपके, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तो ह्यूमैनिटीज़ में आपके लैंग्वेज आ जाएंगे, बंगाली है, इंग्लिश है, हिंदी है, फिलॉसफी है, संस्कृत है, और उर्दू है। इन सभी के आपको सिलेबस यहाँ से मिल जाएंगे। टी आर एल मतलब होता है ट्राइब एंड रीजनल लैंग्वेज, जो कि झारखंड का क्षेत्रीय भाषा है, जिसमें हो है, खड़िया है, खोरठा है, कुरुक है, कुरमाली है, मुंडारी है, नागपुरी है, ठीक है, पंच परगनिया है, और संथाली है। इन सभी के आपको सिलेबस यहाँ पे मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे, चलिए मैं एक आपको कंप्लीट करके दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे इकोनॉमिक्स का आपको एमजे पेपर निकाल के दिखाता हूँ, इस वेबसाइट पे आ जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक्स पे क्लिक कीजिएगा, आपका जो भी सब्जेक्ट है उस पर क्लिक कर लेना है सिंपली, और आपके सामने पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ, ये डाउनलोड हो रहा है पीडीएफ, ये आपके सामने डाउनलोड होके ओपन हो जाएगा ये इस तरह से, ठीक है। देखिए, अभी हमारे आ गया रांची यूनिवर्सिटी। अब देखिए, आपको यहाँ पे इसको ऊपर उठाना है और पेज नंबर आपको 15 और 16 पे आ जाना है। डायरेक्टली पेज नंबर 15 पे आ जाइए। तो चलिए हम लोग आ जाते हैं पेज नंबर 11, 12, 13, 14, 15। ये देखिए, पेज नंबर 15 में आपका सेमेस्टर 1 लिखा होगा, या फिर जिसमें भी सेमेस्टर 1 लिखा होगा उस पे आना है। सेमेस्टर 1 मेजर पेपर 1 एमजे पेपर 1 देख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे सभी का जितना भी एग्ज़ाम है सभी का एग्ज़ाम इस तरह से होगा, और यहाँ पे दिया गया है आपका मार्क्स, किस टाइप से एग्ज़ाम होगा वो यहाँ पे दिया गया है कि 75 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, 5 गो 1 नंबरिया क्वेश्चन रहेगा, 5-5 नंबरिया 2 क्वेश्चन रहेगा, और 15 नंबरिया 4 क्वेश्चन रहेगा। ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सभी चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई हैं, बट आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्टरी इकोनॉमिक्स के बारे में, इसी तरह से जो भी आप सब्जेक्ट हैं वो सब्जेक्ट का नाम लिखा होगा। फिर आपको यहाँ पर ध्यान देना होगा यूनिट 1 पर, कि आपको यूनिट 1 पर क्या पढ़ना है, यूनिट 2 में क्या पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि इसका इंट्रोडक्शन है, फिर आपका कंज्यूमर्स बिहेवियर पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन पढ़ना है, फिर है मार्केट फॉर्म एंड इक्विलिब्रियम पढ़ना है, थ्योरी एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह से यूनिट यूनिट में बता, यूनिट 6 तक इनका बटा हुआ है, और नीचे में आपका प्रेफर बुक्स, ये बस इतना ही तक आपका सिलेबस है। उसके बाद इसका सेमेस्टर 2 का आ जाएगा। तो आपको ये सभी जितने भी ऑनर्स हैं उन सभी में आपको यही रूल फॉलो करने हैं, ठीक है। जो भी सब्जेक्ट है आपका, हो सकता है किसी किसी सब्जेक्ट में आपके जो यूनिट है केवल 2 ही यूनिट होता है, केवल किसी में 3 ही यूनिट होता है, किसी में 6 तक बोला जाता है, ठीक है। तो जैसा आपका सब्जेक्ट है उसके अनुसार यूनिट में भी बंटा होता है, और इस तरह से आप लोग इसको घर में पढ़ लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा,
और बाकी मैं क्वेश्चन पेपर का वीडियो आपको दे दूंगा, और कैसे आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, एग्ज़ाम देना है, वो मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो एमजे पेपर के लिए ये प्रोसेस था, मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आप लोग सभी वीडियो को अच्छे से देखेंगे, समझ में आ जाएगा। अब बात रही इसका हिंदी कैसे करेंगे, तो मान लीजिए सेमेस्टर वन का है, ठीक है, इसको देख लीजिए। तो इसका आप लोग सबसे पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद गूगल से ट्रांसलेट करके इसका हिंदी कर लीजिएगा, और वो आपको हिंदी में भी समझ में आ जाएगा। अब इसको पढ़ना कैसे है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ठीक है। कैसे आपको एग्ज़ाम देना है सब कुछ हम लोग बता देंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही कि आप किसी भी जितने भी सब्जेक्ट हैं इसका एमजे पेपर का सिलेबस कैसे डाउनलोड करेंगे, ठीक है। मैंने बता दिया, लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। देखिए आप लोगों के लिए वीडियो में भींग भींग के छाता से यार आया हूं, ठीक है। और किन सोचा कि नहीं वीडियो आप लोग को देना ज़रूरी है, एग्ज़ाम सामने आ गया है, तो इसलिए मैं घर से तुरंत आ गया अपना जो भी है अपना रूम, और यहाँ पे आप लोग के लिए वीडियो दे दिया। अब भी कोई दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपके हर एक कमेंट का आंसर देने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे, ठीक है। जब भी समेंट मतलब हो सकता है कमेंट में आपको आंसर मिलने में 12 घंटा लेट हो जाए, बट आपको कमेंट का आंसर ज़रूर मिलता है, ठीक है। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अगली वीडियो में।